This is 0, and now this valgus angle is 9 degree only. This valgus angle is 9 degree only. ये वेलगस एंगल पहले 19 डिग्री था, अब 9 डिग्री रह गया है, ठीक है? दिस इज ऑन रिकॉर्ड 9 डिग्री विद गोनियोमीटर, करेक्ट? नाउ ये कितना था, 20 डिग्री? हाँ सर, 20 20 डिग्री था? यस सर. This is also 9 degree. Congratulations. Thank you, sir. Durun 9 now. Yes. See, start even on. Even it is 8 degree only. 8? Yes. It is 8. Thank you, sir. 9? This is 8. He starting ये जो pointer है, ये 8 पे आके रुक गया है, है ना? और it is measured 8 degree only. 8 डिग्री, वो 9 डिग्री 8 डिग्री. यस सर, थैंक यू सर. हाँ तो दोस्त, आप कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा सर. आप थोड़ी यूनिक समस्या लेके यहाँ आए थे. यस, जो और लोग जो यहाँ लेके आते हैं समस्या, हाँ, तो उससे थोड़ी डिफरेंट टाइप की थी. यस सर. क्या समस्या लेके आए थे? सर क्यूबिटस वेलगस था. क्यूबिटस वेलगस में पब्लिक नहीं समझेगी कि क्यूबिटस वेलगस क्या होता है. हाँ. उनको आम भाषा में समझाओ कि क्या समस्या लगा. हाथ मेरा थे ना, ये दो बार मेडिकल हुआ था तो बाहर जा रहा था. ओके. ये जो हाथ है आपका, हाँ, ये तिरछा हो रहा था, मतलब ऐसा बाहर जा रहा था. हाँ. तो इस वजह से किसके मेडिकल में गए थे आप? आर्मी के. आर्मी के. हाँ सर. आपको दो बार अनफिट कर दिया गया. दो बार अनफिट कर दिया. बाकी सारे टेस्ट आपने पास कर लिए? सब टेस्ट पास थे सर. एग्जाम भी क्लियर थे, फिजिकल भी. ओके. मेडिकल में दो बार इसी वजह से बाहर हुआ था. क्यों बाहर किया था? कितना एंगल मेजर किया था उन्होंने? सर एक 22 डिग्री था और एक 20 डिग्री. एक 22 और एक 20 डिग्री था. यस सर. ठीक है. और अभी सर एक 8 हो गया और एक 9 डिग्री हो गया. ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ. बहुत बहुत धन्यवाद. बिल्कुल पास में आ गए हाथ ऐसे शरीर के. हाँ सर. ऐसे जा रहे थे? यस सर. वो ऐसे आ गए? हाँ सर. करेक्ट. बहुत 10-11 डिग्री का फर्क पड़ गया. कितनी सिटिंग हुई यहाँ सर? आज 11वीं. आज 11वीं सिटिंग. यस सर. 11 सिटिंग में 22 डिग्री से 8 डिग्री पे ले आए. यस सर. ये क्यूबिटस वेलगस. यस सर. लोग ये समझते हैं कि ये इनक्यूरेबल है, ये तो एंगल सही हो ही नहीं सकता बिना ऑपरेशन के. यस सर. ये बिना ऑपरेशन के सही हुआ है, बिना इंजेक्शन, बिना गोली, बिना ऑपरेशन, बिना दवाई, बिना गोली, इंजेक्शन, एनीथिंग. यस सर. सिर्फ जो यहाँ आपको एक्सरसाइज किया हमने, अलाइनमेंट किया, मतलब कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी. यस सर. इसी के थ्रू ये रिजल्ट हमने पाए. हाँ सर. है ना, 10 दिन में बेहतर परिणाम दे दिया. 10 दिन में बेहतर परिणाम. 22 डिग्री और 20 डिग्री से 8 और 9 डिग्री पे. हाँ. तो ये कैसे हुआ दोस्त, आपको यहाँ का कैसे पता चला था? सर मैं फेसबुक पर देखा था. फेसबुक पर देखा था. हाँ. ऐसे हमारे पास पहले भी बच्चे आए हैं जिनको ऐसा क्यूबिटस वेलगस था और आर्मी के एग्जाम में उनको फिजिकल में अनफिट कर दिया कि आप इसको या तो सही करा के आओ, अदरवाइज नहीं लेंगे, उनका लास्ट चांस था. तो ये जो है, हमने कई लोगों के तो 3-3 दिन में ठीक करके दिए हैं और सिलेक्शन हुआ है. बच्चों के फोन आता है फिर के सर हमारा सिलेक्शन हो गया है. अभी एक स्कोलियोसिस लेके आया था, मतलब रीढ़ की हड्डी का तिरछापन, तो वो भी सही करके भेजा सिर्फ 3 सिटिंग में. उसका भी सिलेक्शन हो गया. उसका तो कमांडो के लिए सिलेक्शन हुआ है. हाँ सर, जानता आपने भी जानते हूं. जानता हूं. हाँ. जानते हो उनको, देखा उनका वीडियो? हाँ, देखा था. अच्छा, अब आपका वीडियो बाकी लोग देखेंगे. यस सर. बच्चों को एक्चुअली पता नहीं होता है. हाँ. कि ये कैसे सुधरेगा और कहाँ सुधरेगा. यस सर. नहीं. हाँ सर. तो वो समस्या आती है. यस सर. तो वो फिर भटकते हैं और टाइम निकल जाता है. हाँ. क्योंकि वो 8-10 दिन का ही टाइम देते हैं. यस सर. कई लोगों को तो दो 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 दिन तीन दिन का ही देते हैं, है ना. हाँ सर. आपको भी अनफिट के बाद में 3 दिन का टाइम. हाँ, दिया था. हाँ, लेकिन आपको यहाँ का पता नहीं था. हाँ, नहीं था. तो वो मिस हो गया आपसे चांस. यस सर. अदर अब क्या है, आपको फिर से एग्जाम देना. हाँ, पड़ेगा. नहीं, एग्जाम तो क्लियर है सर. हाँ, अभी फिजिकल है 30 तारीख को, तो वो क्लियर करना पड़ेगा. हाँ, हाँ, उसके बाद फिर मेडिकल होगा. हाँ, और वो अगर 3 दिन में आप यहाँ आ जाते. हाँ, तो सिर्फ हाथ का ही होता सर. सिर्फ हाथ का ही होता और आपका सिलेक्शन हो जाता. यस सर. करेक्ट. यस सर. तो अब इस वीडियो के माध्यम से कम जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्म फोर्सेस की. हाँ सर. और जिनको फिजिकल में स्कोलियोसिस, ये वेलगस या घुटने का जो एंगल होता है. हाँ.
है ना, ऐसा ऐसा घुटने से पीछे हो जाते हैं वायरस, उसके लिए भी बाहर कर देते हैं। तो वो काफी हद तक ये चीजें करेक्ट कर सकते हैं हम। यस, यही फिजिकल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक एंड ऑस्टियोपैथी के थ्रू। यस सर, ठीक है। तो ये जादू आज आपने साक्षात देखा खुद अपने ऊपर। हाँ सर, बहुत अच्छा। अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो एक बार आकर जरूर दिखाए। आपका ये कौन सा चांस है अब सिलेक्शन का? लास्ट है सर, लास्ट चांस, लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट। हाँ, मतलब अभी नहीं होता तो फिर सब खत्म। हाँ सर, सब खत्म। यहाँ आ गया तो पूरी समस्या सोल्व हो गई। समस्या सोल्व हो गई। यस, वेरी गुड। तो कब जाना है फिजिकल के लिए आपको? सर 29 को जाना है और 30 को रनिंग है सुबह। कहाँ पे? धार में। धार में। यस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पिपलोदा पंथ, उनेल से आगे। अच्छा, यस। चलिए ठीक है, तो अब आप जाओ सिलेक्शन के लिए, फिर आप भी वहीं से हमें फोन करना। ठीक है सर, क्या हुआ? यस सर। ठीक है, फिर वापस मिलने आना। ठीक है, ठीक है। तो फिर सिलेक्शन के बाद फिर हम आपको वापस फीडबैक लेंगे। यस सर। क्या रहा वहाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ठीक है, ठीक है। उन्होंने कितना एंगल मेजर किया? ठीक है सर। ठीक है दोस्त, ठीक है। चलो, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, जय श्री महाकाल, हरे कृष्ण। अपना ख्याल रखना और अच्छे से एग्जाम देना। ठीक है, एग्जाम तो हो गए, बस रनिंग बची है। अपना रनिंग अच्छे से निकालो और अच्छे टाइम, अच्छे मार्क्स से निकालो। ठीक है, और फिर आके बताना वापस। ठीक है, ठीक है, ठीक। हम भी ईश्वर से, महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, धन्यवाद। वापस आपने ले आना। ठीक, ठीक, ठीक।